स्कैम 1992, बिग बुल, इन वेब सीरीज़ के बाद में मानो स्टॉक मार्केट का क्रेज़ ही आ गया। सब लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्या होते हैं स्टॉक, और आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सातवें सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जिनकी नेटवर्थ है 93 बिलियन डॉलर, और राकेश जुजुनला, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उनकी नेटवर्थ है 5 बिलियन डॉलर, और जो कि इंडिया के 48th रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर इतना सारा पैसा कमाया है। तो आप भी स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या होता है स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट। Here in India, it was a bloodbath. The Nifty closed 2.6% down, the Sensex almost 2.7%. Put together, investors lost around 6 lakh crore rupees in one day. बहुत लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में हजार बहुत सारे पैसे डूब गए हैं ये सब, बट इफ यू कंसिस्टेंटली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट, यू आर बाउंड टू मेक ग्रेट रिटर्न्स। व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट? एक शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और अगर आप कोई कंपनी हो तो आप अपने शेयर्स को बेचकर लोगों से पैसे ले सकते हो। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज शेयर? जब किसी कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है। अब कंपनी को पैसों की आवश्यकता कब होती है? या तो उस कंपनी पर जब बहुत ज़्यादा कर्ज हो, उसे पे करने के लिए उनके पास पैसा नहीं हो, तब उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, या तब जब कंपनी अपना विस्तारण करना चाहती हो, एक्सपांशन करना चाहती हो। मान लो कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहती, नई नई फैक्ट्रीज लगाना चाहती है, दूसरे देशों में जाना चाहती है, तो इस समय कंपनीज को पैसों की आवश्यकता होती है। तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट की तरफ देखती है, और इस समय कंपनी बैंक की तरफ इसलिए नहीं देखती। मान लो कंपनी अपना एक्सपांशन कर रही है, तो उस समय कंपनी के पास में श्योरिटी नहीं है कि उसकी ग्रोथ होगी, और अगर वो लोन लेती है तो उसे अपने कुछ एसेट्स को मॉर्गेज कराना पड़ेगा, मतलब उन एसेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा। ये उनके लिए क्वाइट रिस्की हो सकता है। तो ऐसी कंपनीज स्टॉक मार्केट प्रेफर करती है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्या करती है, अपना कुछ परसेंट शेयर्स लोगों में बांट देती है, और बहुत सारे लोग उस कंपनी में निवेश कर लेते हैं अगर कंपनी अच्छी है तो। छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। एग्जांपल लेते हैं हम एक कंपनी एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड अपना 10% शेयर लोगों में बांट देती है, और बहुत सारे लोग उसके शेयर्स खरीदते। अब 10% को वो 1-1% कर नहीं बांटती, 1% से भी छोटे हिस्से करती है। जब वो 1% से भी छोटे हिस्से करती है, उन्हीं को हम शेयर्स कहते हैं। वो शेयर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू होती है, जैसे 500 हो गई, 1000 हो गई, ऐसे में वो करती है। उनकी भी फेस वैल्यू अलग होती है और प्राइस अलग होती है। ऐसी कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। ऐसी कंपनी NSE या BSE पर अपने आप को लिस्ट कर देती है। इंडिया में कुल 7 स्टॉक एक्सचेंज अभी प्रेजेंट में। इंडिया में 2 ही मेन स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE के फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE के फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया का जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1602 में बनाया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का भी सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में बनाया गया था प्रेमचंद रायचंद राजस्थानी के द्वारा, जो कि कॉटन मर्चेंट थे। आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर वॉरेन बफेट के जितने नहीं पर थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? आपके पास में एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए, एक कैंसिल चेक होना चाहिए, ये चार आपके पास में डिटेल होनी चाहिए, और आपका फ़ोटो। इन सारी डिटेल के साथ में आप ऑनलाइन किसी भी ऐप के द्वारा खुला सकते हो। हाँ, कुछ ऐप्स अलग अलग डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट यही होते हैं जो कि हर ऐप पर मान्य होते। तो गाइज, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर आपको सारा नॉलेज देने की कोशिश की। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।